तो क्या हालचाल दोस्तों। तो आज हम, जैसे कि तुम्हें थंबनेल और टाइटल को देखकर पता चल गया होगा कि आज हम एक ऐसे भोजपुरी मोटिवेशनल रीलर स्पीकर को रोस्ट करने वाले हैं जो, मतलब मैं क्या ही कहूँ। तो चलिए शुरू करते। तो भाई साहब, कुलदीप भाई की शॉर्ट्स और रील्स को देखते मुझे यह पता चल गया इनमें मोटिवेशन की बहुत ज्यादा चुल है। इसलिए जहाँ मोटिवेशन नहीं भी देनी होती है, वहाँ भी अपना टैलेंट फूट फूट कर प्रदान करते हैं। इसलिए जब लोगों को आते हैं मिर्गी के दौरे, इनको आते हैं मोटिवेशन के दौरे। ये कभी भी कहीं भी कैसे भी चालू हो जाते हैं। अगर एक इंसान मोटिवेट होना चाहे ना, तो इस देश दुनिया की हर एक चीज उसे मोटिवेट कर सकती है। अच्छा, हो जाए चैलेंज फिर। हो जाए। पक्का? पक्का। गाड़ी? टाइम वेस्ट मत करो। समुद्र? बड़ा दिल रखो। चीटी? कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहो। वृक्ष? परोपकारी बनो। धरती? सहनशील बनो। सूर्य? कंसिस्टेंट बनो। गुलाब? जीवन में चाहे कितने भी दुख हो, हमेशा अपनी खुशबू दूसरों तक फैलाओ। दीपक? दूसरों की जिंदगियों में उजाला। कुत्ता? वफादार बनो। तो भाई, मतलब इनको मोटिवेशन देने की इतनी चुल्ले या किसी हंसते हुए आदमी पे भी मोटिवेशन बना सकते हैं। वैसे तो भाई का मोटिवेशनल वाला धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है, इसलिए ये घुस गए हैं कॉमेडी फील्ड में। तो गाइस, तुम लोग अपने घर के दरवाजे बंद रखते होंगे ना? नहीं रखते? तो तुम्हें अब आज से, बल्कि अभी से ही दिन में भी अपने घर के दरवाजे बंद रखने चाहिए, क्योंकि ये आदमी कभी भी तुम्हारे घर में घुस के कभी भी किसी की चीज के ऊपर मोटिवेशन दे सकता है। लेकिन ये अकेला नमूना नहीं है, इसके बाद इसके और भी भाई बंधु आते हैं, जैसे कि शिवम मलिक। तो आइए उसकी वीडियो देखते हैं। के सामने एक नंबर लिखा हुआ है, जो आपका बर्थ मंथ है उस हिसाब से उस नंबर को चूज करिए। अब उसे डबल करिए, जो आंसर आएगा उसमें 10 प्लस करें। अब जो आंसर आएगा उसे 2 से डिवाइड करें। अब जो आंसर आया उसे माइनस करना है आपको बर्थ मंथ नंबर से, जो पहले नंबर लिया था। अब सामने नंबर देखिए और बताइए आपकी पर्सनैलिटी क्या है। जो आंसर आया ना, डेली सुबह उठने के बाद आपको याद करना है कि आप वो है। अबे जो ये हरकत है तू अब कर रहा है ना, ये मैं 5वीं क्लास में कर करके छोड़ चुका हूँ। और ये इसका लॉजिक क्या है मुझे ये बता दो। रिप लॉजिक है, बिल्कुल असंभव है भाई, ये बिल्कुल रिप है भाई, खत्म है। ये वीडियो देखने के बाद मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है, बट जब मैंने खुद पे करके देखा और ये वीडियो बनाई मैंने, ऐसा हुआ। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अबे अगर मेरा होंठ, नाक, आंख, बाल, दांत, हाथ, लात सब इक्वल है तो इससे मेरा क्या फायदा? कुछ हो रहा है क्या इससे? तू जाके गू खा के मर जा कहीं जा। बच्चे, मेरे बच्चे, शांत शांत हो जा, मेरे बच्चे शांत हो जा। किन्नी हो क्या आपको ये बातें पता? नहीं, मुझे ये बातें बिल्कुल पता नहीं है। आप छींक मारते हो तो एक सेकंड के लिए आप मर जाते हो। अगर आप अपने अंगूठे पे फूंक मारते हो तो ये चीज आपकी नसों को काम करेगी। अगर आप पेंसिल अपने दांतों के बीच में फंसाते हो, ये चीज आपके दिमाग को मजबूत बनाएगी। जब इंसान रोना शुरू करता है तो वो अपने दिमाग में सारी बुरी बुरी गंदी गंदी बातें सोचता है, जिससे वो ज्यादा रो सके। अगर आप बेड पे लेटे लेटे 15 मिनट तक एक ही जगह पर रहते हिलते नहीं तो आप सो जाओगे। जो इंसान बहुत ज्यादा शाही होते हैं वो दिमाग से शार्प होते हैं बहुत ज्यादा, और उन पर यकीन किया जा सकता है। पता है, ऐसे फैक्ट्स की वीडियो मैं ही बना सकता हूँ, तो इसलिए चालू करते हैं। क्या आपको पता है, अगर आप अपने दोनों हाथों को जोड़ देंगे तो आप नमस्ते की पोजीशन में आ जाएंगे। क्या फैक्ट है भाई ये? क्या फैक्ट है, करके देख लो, कोई दिक्कत है क्या इसमें? चलो चलो, एक और बार ट्राई करते हैं, एक और बार ट्राई करते। ठीक है, अगर तुम अपने कान बंद कर लोगे तो तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं देगा। हाँ, ये भी फैक्ट है, यकीन नहीं होता, करके देख लो। अच्छा ये, अच्छा ठीक है, चलो एक और आखिरी ट्राई करते हैं। अगर तुम लोग आंख बंद कर लोगे तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। ये भी फैक्ट है, ये भी झूठ मान रहे होगा, करके देख लो। बिल्कुल सही, जिस तरह मेरे फैक्ट्स का कोई लॉजिक नहीं है, उसी प्रकार इसके फैक्ट्स का भी कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन व्यूज भर भर के आते हैं भाई ये, इसके तो व्यूज भर भर के आते हैं लेकिन मेरे नहीं। इसलिए अगर तुम लोगों को मेरे व्यूज भर भर के आने चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, जो कर सकते हो वो कर दो। मिलते हैं अगली नई वीडियो में।